तो जैसा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, 2 by 2 के डिटर्मिनेंट्स दी गई हैं, इनकी वैल्यू इक्वल है, हमें ये कहा गया। अच्छा, ये मैट्रिक्स अगर होता तो कभी तो इक्वल तो हो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 5 है और यहाँ 6 है, और मैट्रिक्स इक्वल होने के लिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। लेकिन खैर, यहाँ मैट्रिक्स नहीं, डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट का मतलब इसकी सिंगल वैल्यू होगी और इसकी कुछ सिंगल वैल्यू आएगी, दोनों को इक्वेट करेंगे, क्या हो जाएगा, इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाता है, लीडिंग डायगनल इसका प्रोडक्ट मतलब 2 × 1 2 माइनस ऑफ डायगनल का प्रोडक्ट 20 किसके इक्वल होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2x × x, क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 24 कितना आ जाएगा यहाँ से, दैट कम्स आउट टू बी -18, और ये 24 इधर ला ला रहे हैं हम, प्लस का 24, ये हो जाएगा 2x² कितना आ जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी 6, दैट इज 2x². तो आपका 2x² किसके इक्वल हो गया, 6 के इक्वल हो गया, तो x² किसके इक्वल है, डिवाइड करेंगे है ना, तो 3 आ जाएगा, तो x आ जाएगा आपका √3 है ना, लेकिन प्लस माइनस दो वैल्यूज होंगी, ठीक है, तो दैट देयर इज टू वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दीज टू डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल, दैट इज योर आंसर।